हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हो आप आप सभी सभी आई होप अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा राधे राधे तो मैं आ गई हूँ छत पर तो जैसे कि आपको पता है मेरी सुबह की शुरुआत जो है वो चार बजे से हो जाती है तो सभी को सोता हुआ देख कर मन तो करता है कि थोड़ी देर और सो जाए, जाए। पर लेकिन ये है कि अगर थोड़ी देर और सो गए तो वो कब पांच या साढ़े पांच बज जाएंगे पता नहीं लगता तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ जैसे ही मेरी आँख खुलती है अलार्म बजता है तो मैं सीधा उठ ही जाती हूँ तो वैसे तो मुझे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है आँख खुल ही जाती है सुबह पर लेकिन ये होता है कि मैं रिस्क नहीं लेती क्योंकि कभी ये होता है कि रात को लेट सोए हैं तो अगर सुबह का अलार्म नहीं लगाया तो ये है कि फिर कभी सोते रह जाते हैं तो कब देर हो जाती है फिर पता नहीं लगता तो फिर काम सुबह इतने होते हैं तो काम तो हम कर लेते हैं भागम भाग करके तो हम लेडीज लोग क्या करते हैं अपना अगर योगा प्राणायाम करते हैं या जो भी अपना काम होता है वो तो हम फिर छोड़ देते हैं तो बाकी सब तो कर ही लेते हैं चाहे बच्चों का हो गया या घर का हो गया तो सभी की देखभाल कर लेते हैं चाहे देर से उठें चाहे जल्दी उठें पर लेकिन अपने ऊपर फिर हम ध्यान नहीं देते तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अपना ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना घर का या बाल बच्चों का ध्यान रखना क्योंकि हम खुद ठीक रहेंगे तो तभी सबका ध्यान रख पाएंगे तो सुबह उठकर सीधा जाती हूँ मैं छत पर थोड़ी देर करती हूँ वॉक तो वॉक मैं 10-15 मिनट की करती हूँ उसके बाद 10-15 मिनट मैं करती हूँ स्ट्रेचिंग और ठंडी ठंडी हवा खा के आती हूँ ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है एकदम आँखें खुल जाती हैं और फ्रेश सा फ़ील होता है तो एक बारी सुबह मैं पूरे घर का झाड़ू जरूर लगा लेती हूँ क्योंकि जो जगह नहीं होती है पूजा पाठ करनी होती है तो पूजा पाठ करने से पहले पूरे घर का झाड़ू ज़रूर लगा लेना चाहिए तो झाड़ू तो मैंने लगा लिया है और अब जो मेरा टाइम है वो है योगा प्राणायाम करने का तो ये मैं अंदर ही करती हूँ क्योंकि बाहर अंधेरा है और तो अंधेरे की वजह से बाहर मच्छर काटते हैं तो इसलिए जो प्राणायाम है वो मैं अंदर ही करती हूँ तो वैसे तो बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है मन कर रहा है बाहर ही करने का पर लेकिन अंदर करना पड़ेगा तो बस नहा के स्नान करके आ गई हूँ मैं रसोई में और अब बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी तो आज टिफिन में बच्चों को यही दूंगी मैं तो गोभी मैंने रात को ही काट ली थी और इसको मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में एक उबाला दे दिया और इसको मैं अब अच्छे से छान लेती हूँ तो वैसे तो फूल गोभी साफ़ ही है पर लेकिन फिर भी इसको गर्म पानी में थोड़ा सा धो लेना चाहिए अच्छे से क्योंकि कोई कीड़ा वगैरह अगर लगाओ तो वो निकल जाए तो आलू गोभी की जो सब्ज़ी है जब हम लहसन प्याज खाते थे लहसन प्याज मैं तब भी नहीं इसमें डालती थी मैं खाली इसमें अदरक और टमाटर का तड़का ही लगाती हूँ क्योंकि ये इसी से काफ़ी टेस्टी बनती है तो गोभी की सब्जी में खाली अदरक डाल के भी तड़का लगाया हो तो उससे भी ये काफ़ी टेस्टी बनती है तो काफ़ी आसान है इसे बनाना बिल्कुल सिंपल सी सब्जी है और टेस्टी भी काफ़ी बनती है तो अब नई गोभी जो है वो मार्केट में आ गई है तो अभी तो काफ़ी महंगी है तो जब तक ये महंगी होती है तब तक तो ये स्वाद बनती है लेकिन जैसे ही इसका रेट डाउन हो जाता है सस्ती हो जाती है तब इसका जो टेस्ट है वो जाने लग जाता है तो बस जैसे ही तेल गर्म हो गया था वैसे ही मैंने जीरा डाल के और ये आलू गोभी डाल दी थी थोड़ी सी फ्राई करके इसमें मैंने जो रोज के मसाले होते हैं जैसे जीरा हो गया नमक हो गया हल्दी मिर्च तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया और इसको ढक के रख दिया है तो अब मैं गूँध लूंगी आटा तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को टिफिन साथ में दू ही दू क्योंकि अगर बाहर से उनको कुछ खाना पड़ेगा तो फिर ये है कि समोसा ब्रेड वगैरह खा तो लेंगे पर कोई फायदा नहीं होगा रोटी का काम तो रोटी ही करती है तो बाहर की चीजें चाहे जितनी मर्जी खा लो चाहे चिप्स खा लो चाहे समोसे ब्रेड खा लो पर लेकिन पेट जो है वो रोटी से ही भरता है तो इसीलिए दो दो रोटी मैं उनको साथ में जरूर पैक कर देती हूँ और अब मैं धो लूंगी मंदिर के बर्तन तो सब्जी तो बन गई है मैंने मंदिर के जो पूजा की तैयारी करनी होती है वो भी कर लिया लेकिन अभी गोपाल जी को स्नान करवाना है तो दूध भी गर्म कर दिया मैंने कन्नू के लिए और अभी वो नहाने के लिए गई है तो जैसे ही नहा के आएगी फिर उसको मैं दूध भी दे दूंगी तो फटाफट से बना लिए जाए फुल के और सब्जी जो है काफी टेस्टी बनी है तो इसको मैं अच्छे से एक बारी मिक्स करके और ढक के रख देती हूँ तो गैस तो बंद ही है वैसे तो सुबह सब्जी बनाने का फायदा ही हो जाता है क्योंकि पहले मैं दस बजे तक बनाती थी सब्जी तो दोपहर की जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है तो अब उससे भी जल्दी बन जाती है क्योंकि बच्चों के टिफिन पैक करने होते हैं पर लेकिन ये है कि पूजा पाठ के लिए थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ ये थोड़ा सा मेरे लिए चिंता का विषय तो है पर क्या कर सकते हैं मजबूरी है गोपाल जी भी जानते हैं क्योंकि बच्चों ने बाहर पढ़ने के लिए जाना होता है तो फिर टिफ़िन पैक करके तो उनको देना ही देना है तो अब काफ़ी दिनों से जो मेरी रूटीन है वो ऐसे ही चल रही है जैसे कि पहले मैं योगा कर लेती हूँ उसके बाद जो टिफिन पैक कर लेती हूँ बच्चों का और फिर करती हूँ पूजा पाठ तो अगर मैं पूजा पहले करती हूँ सबसे तो फिर जो मेरा पूरा ध्यान है वो पूजा में तो लगेगा नहीं काम पे ही रहेगा कि अभी मुझे टिफिन भी बनाना है बच्चों के लिए और योगा प्राणायाम भी करना है तो इसीलिए मैंने पूजा पाठ को बाद में रखा है तो वैसे तो पूजा पाठ पहले करना चाहिए पर मैंने इसलिए बाद में रखा है क्योंकि मेरा ध्यान जो है पूजा में अच्छे से लगे अगर मैं पहले करती हूँ तो फिर मेरा ध्यान सारा काम पेरेगा तो वो जो पूजा है मेरी एक फॉर्मेलिटी सी बन के रह जाएगी इसलिए तो जो पूजा पाठ का काम है वो हमें मन से ध्यान से करना चाहिए ना कि कोई फॉर्मेलिटी समझ के करनी चाहिए तो मैंने आपसे कहा ही था कि मेरी अभी कोई सही सी रूटीन बनी नहीं है तो जैसे ही बन जाएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी तो रूटीन तो मेरी बन गई है कभी डिटेल वीडियो आपके साथ मैं करूँगी शेयर तो काफ़ी दिनों तक कभी मैं पूजा पाठ पहले कर रही थी कभी योगा कर रही थी तो कभी मैं जो है बच्चों का टिफिन पैक कर रही थी तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीनों जो कामों में है सेम टाइम ही लगता है तो बस इनको आगे पीछे करके देख रही थी तो जब मैं पूजा पाठ पहले कर रही थी तो मेरा पूरा ध्यान जो है वो काम पे ही था इसीलिए मैंने पूजा पाठ जो है लास्ट में रखा है तो इस टाइम मुझे कोई काम की टेंशन नहीं है क्योंकि जो जरूरी के काम हैं वो सारे हो गए हैं जैसे कि अंजलि भी चली गई है कॉलेज कन्नू भी स्कूल चली गई है तो जो भी जरूरी के काम थे वो सारे हो गए हैं और अब मैं कराऊंगी गोपाल जी को स्नान तो इस टाइम मैं हूँ और मेरे गोपाल जी हैं तो वैसे तो सारा दिन काम चलते ही रहते हैं तो वो तो सारा दिन में होते ही रहेंगे तो बस अब करा लेते हैं गोपाल जी को स्नान तो आज जो गोपाल जी का स्नान है वो मैं दही से करा रही हूँ तो वैसे तो मुझे पंचामृत बनाना था तो दही तो मैंने जमा दिया था पर लेकिन कच्चा दूध रखना मैं भूल गई थी तो मैंने सोचा चलो आज मैंने डिसाइड कराया था पंचामृत से स्नान करवाने का तो चलो कोई बात नहीं पंचामृत नहीं बना तो मैं गोपाल जी का जो स्नान है वो दही से ही करा देती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज दिन में भी बहुत काम करने हैं आज मुझे कणक भी धोनी है कणक यानी गेहूं जिसे कहते हैं तो वो भी मुझे धोनी है और वो मैं कैसे धोती हूँ वो भी आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो गेहूँ जो है वो मैं थोड़े दिन रुक के धो ही लेती हूँ क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रखा है वैसे बारिश का तो कोई नामो निशान नहीं है हमारे यहाँ पर तो कुछ पता नहीं होता कब लग जाए बरसातें और जब लग जाती है तो फिर कितने दिन हफ्ता दस दिन फिर बंद भी नहीं होती इसलिए तो मैं साथ के साथ जो है गेहूँ धोती रहती हूँ और सुखा भी लेती हूँ ताकि बरसातों में जो है कोई दिक्कत ना हो इसलिए तो अभी मौसम काफी अच्छा हो रखा है वैसे गर्मी में थोड़ा सा फर्क तो है तो पिछले दिनों तो हमारे इधर इतना पानी भी भरा हुआ था इन दिनों में और बारिश भी लगातार हो रही थी और बस ऊपर से भी पानी और नीचे भी पानी पानी और कितने दिन तो लाइट भी नहीं आई थी हमारे इधर तो मैं जब भी कनक धोती हूँ ऐसे ऊपर से एकदम धार बना के कनक को डालती हूँ ताकि ये जो जौ या तिल्ले वगैरह होते हैं ये ऊपर की साइड आ जाते हैं फिर इनको मैं ऊपर से हटा देती हूँ क्योंकि अगर ऐसे ये पानी में रहते हैं अगर पानी हम गिराते हैं तो फिर वो नाली में फंसने के चांस होते हैं इसलिए और कनक को पाँच मिनट के लिए ऐसे भिगो के रख दें उसके बाद ये हाथों से ऐसे लेके तो इनको मसल ले थोड़ा सा वैसे तो ये जो खेतों की मिट्टी होती है कनक के अंदर ये वैसे ही मेल्ट हो जाती है लेकिन हाथ से हम ऐसे कर लेते हैं तो जो भी अगर थोड़ी बहुत रह गई हो तो वो भी अच्छे से पीस जाती है और फिर ये पानी से निकल जाती है तो अब ये जो कनक है मैं तब तक धोऊंगी जब तक ये जो पानी मिट्टी वाला जैसे दिख रहा है अभी तो जब तक ये साफ नहीं हो जाता तब तक मैं इसको धोऊंगी तो पानी थोड़ा ज्यादा ही लगता है तो पिछली बार जो बरसात है वो तो रेगुलर ही होती रही थी यानी थोड़े दिन होती थी एक दो दिन बीच में रुकती थी फिर स्टार्ट हो जाती तो ऐसे होती रही थी बारिश लेकिन इस बारी हमारे यहाँ बारिश अभी तक तो नहीं पड़ी है पर फिर भी जो मैं अपनी तैयारी करके ही रखती हूँ क्योंकि गेहूँ मैं धो लेती हूँ क्योंकि इसी की टेंशन होती है क्योंकि बारिश लग जाए तो फिर इसको सूखने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है इसलिए तो क्योंकि अभी धूपें निकल रही हैं तो मैं इसको धो लेती हूँ और जब भी मैं कनक धोती हूँ तो सुबह के टाइम ही धोती हूँ जैसे नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ उस टाइम फिर मैं कनक धो लेती हूं। तो धूप चाहे जितनी भी तेज निकले लेकिन तीन से चार दिन इसको लग ही जाते हैं सूखने में तो बस यहीं तक की आज की ये वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे